मेरी आवाज़ आवा नहीं शुरू हुई है, मुझे लगा अब तक मेरी आवाज़ आ रही होगी। हद होती है, मैंने अपना माइक बंद किया था, म्यूट पे था। हमने इसको मार दिया, अब आगे यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। हमने इसको मार दिया, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ऊपर एक कैमरा है, मैंने क्यूआर से सीखा है, इस कैमरे को उड़ाओ और फिर भागो, बड़ी जोर की भागो, ठीक है ठीक है। और मेरी हार्ट रेट अभी इंक्रीज हो रही है बहुत गंदी तरह से, मैं भाग रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी गन निकाली, आप देखो यहाँ पे अपनी, जैसे अपनी गन निकाली ना, यहाँ पे जाओ और इसके मुक्का मारो, ठीक है। ये एक बार में मर जाएगा, फिर यहाँ पे जाओ जल्दी से, फिर इसके मुक्का मारो, ठीक है। और फिर जल्दी से अपनी गन चेंज करो, इसमें गन का कोई फर्क नहीं पड़ता, आज होंगे तो स्नाइपर नहीं है, बहुत बढ़िया गन है। यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, इसको आपने मारा, अपनी गन को वापस रिलोड करो, भागो जल्दी से, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करो, इस मिशन को, ताकि टाइम ना वेस्ट हो किसी का। यहाँ पे हम गन तो इसकी पहले से ही ले चुके हैं, तो हम दोबारा लेंगे नहीं, मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता दोबारा बार बार गन लेने का। ये हमने पैसे लिए, ठीक है, और फिर जल्दी से अभी हैक करो, ठीक है। हैक के अंदर मिनिमम 4 मैक्सिमम 5, ठीक है। तो ऐसे आपका हैक्स करने पड़ेंगे, जैसे देखो ये एक कर लिया, और ये 2 कर लिया, और ये 3 कर लिया, और 4, बस 4 मिस्टेक्स होती हैं, 5 मिस्टेक्स होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो बस एक बार आपने कर ली तो बाकी सबको इग्नोर मारो, प्रॉबेबली सही होंगी, ठीक है। नीचे जाओ जल्दी से, टकीला उठाओ और फिर वापस ऊपर आओ और बालकनी से मारो छलांग, क्योंकि इससे कोई सिंपल तरीका है नहीं, ठीक है ना। अपनी गन वापस अंदर रख दो, अब गन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है गन की, अभी बिना गन के हो जाएगा सब कुछ, बहुत ही आसान है, बस मुझे फॉलो करो। वैसे इसकी ट्यूटोरियल्स बहुत सारे यूट्यूब पे भी हैं, मैंने भी उनसे ही सीखा है, मैंने कोई अपने आप को सीखा नहीं, बस मुझे एक प्रॉब्लम आती है वहाँ वापस जाने में, ठीक है। बस वापस जो बाइक से जो हम जो छलांग मारते हैं ना, वहाँ पे बहुत आती है प्रॉब्लम, वहाँ पे मैं मोस्ट लाइकली हर बार फेल होता हूँ, और कहीं नहीं आती मुझे प्रॉब्लम पूरी गेम में, वहीं पे आती, पता नहीं क्यों, पर बाइक का ना मुझे कुछ तो पता नहीं होती कहाँ से छलांग मारे, तो इधर उसको मैंने इम्प्रूव करना अपनी इस चीज़ को। बस यहाँ पे आए ना, ये देखो जगरनॉट अभी है यहाँ पे, एक बार इसको यहाँ से जाने दो जगरनॉट को, अभी हमारे मैप पे दिखाई दे रहा है ना साइड में रेड कलर का स्कल, यहाँ से जल्दी से छलांग मारो और बिना कोई टाइम वेस्ट किए भागो, भाग 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 भाग, शाबाश। यहाँ पे गार्ड है, तो ये थोड़ा पंगा है, तो एक यहाँ पे और कोई गार्ड नहीं है, एक हम कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए, हमने अपने 1,300,000 ले लिए हैं, और बस अब यहाँ से यार लकीली आई होप बाइक की हमारी जंप ना आराम से लग जाए प्लीज़, क्योंकि बाइक की जो जंप है ना हमेशा पंगा करती है हमेशा। तो ये मैं यहाँ से अपनी गन निकालूंगा याली, और मैं यहाँ पे भागना भाई,
यहाँ से चल लेते हैं। मुझे 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 बिल्कुल भी नहीं पता गाइस, तो मैं बस तुक्के ले रहा हूँ और मेरे ख्याल से यहाँ से जाते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। शिट, मेरे ख्याल से उनको पता चल गया है। शिट शिट शिट, मुझे मुझे और मुझे और डीप जाना चाहिए। शिट, उनको उनको पता चल गया है। वो ये पता नहीं इनको कैसे पता चलता है। हलो गई, मैं बहुत ही पास रहूँगा ओशन फ्लोर के, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इनको कैसे पता चलता है कि मैं यहाँ से निकल गया हूँ। मैं कहाँ भी, देखो बंदूक मार रहे हैं, अब मेरे यहाँ से पैसे छूटेंगे अगर मैं मरा तो। मुझे समझ नहीं आती यार इनको पता कैसे चलता है कि मैं एस्केप कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने तो गार्ड को किसका मारा था। हद हो गई, अरे पर कैसे हद होती यार। थैंक गॉड रॉकस्टार ने यहाँ पे ओशन डीप बनाया, अगर हल्का सा भी मैं ऊपर होता ना इस डेप्थ के तो मैं मर जाता, क्योंकि मतलब मोस्ट लाइकली मैं यहीं पे मरता हूँ हमेशा, कि इनको पता नहीं फॉर सम रीजन पता चल जाता है और फिर मैं मर जाता हूँ। बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये वाला पार्ट। प्लीज़ यार कोई मेरी मदद करो इस पार्ट में, तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। चलो फाइनली हमने कर लिया ओवर, इवन दो डिटेक्ट नहीं करना चाहिए था पर पता नहीं फॉर सम रीजन हो जाता है हमेशा। अरे मैंने आपको बताया ना अपनी 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 गेम्स के बारे में, तो मैंने दो गेम्स लिए हैं अभी। बताऊँ मेरे पास कितनी गेम्स हैं अभी एट द मोमेंट एक्सबॉक्स पे। कुछ कुछ फ्री हैं, कुछ कुछ पेड हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेस्ट पार्ट कि एक्सबॉक्स की जो मेमोरी है ना, वो सब ने बोला है कि एक्सबॉक्स की मेमोरी बहुत कम है और अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत थोड़ी सी है, हमें एक्सपेंशन कार्ड तो लेना ही चाहिए। पर मेरे पास 6 या 7 गेम्स हैं और सारी टॉप टाइटल्स हैं, और मैंने सारी की सारी डाउनलोड की हैं अभी, ऐसी कोई भी नहीं है जो मैंने अनइंस्टॉल की है, सारी की सारी डाउनलोड है और आराम से पड़ी हैं। अभी भी मेरे पास 74% ऑक्यूपाइड स्पेस। मैं तो बहुत ही हैरान हो रहा हूँ कि मतलब कितने स्ट्रेंज सी बात है ना, इतनी सारी गेम्स और फिर भी मेरी स्टोरेज अभी भी अवेलेबल। चलो बॉयज अब टाइम आ गया यार उसको लेने का, नाइट क्लब। ये अभी तक मैंने जो पैसे जो मैंने ग्राइंड किए सारे नाइट क्लब के लिए हैं। अगर मैं हल्का से डिटूर ना लेता ना तो मेरा ये और भी कम होता, मेरे ख्याल से होता अराउंड 800,000, उसमें से भी वो कट ले लेता तो 700,000 ऐसे कुछ होता, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैंने अच्छा किया जो मैंने हल्का सा डिटोर लिया, तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को भी करना चाहिए। तो अब मैंने तुम्हें वैसे दिखाया नहीं, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मेरी जो गाड़ी है, ये कौन सी गाड़ी है, नियॉन। अभी यहाँ पे नियॉन अभी मंगवा रहा हूँ, और तुमने अभी इसकी तुमने पेंट जॉब नहीं देखी, मेरे हिसाब से पेंट जॉब अब तक की बेस्ट है इसमें। जो मैं जो वाइट और जो गोल्डन करवाई थी वो इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी अब लगती है वो। या देखो 3-2-1 बूम, कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट्स में यार, या फिर चैट में कहीं पे भी बताओ, पर बताओ यार कैसी लगी ये गाड़ी। मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। इसके हम फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं। ओह शिट, ये क्या किया मैंने, अरे